नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक कुमार है और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एडसेंस में बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं। आइए दिखाते हैं लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई हमारे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप कहे होंगे कि हमें सबसे पहले चले आना है हमारे एडसेंस के जो अकाउंट है उसके होम पेज में, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा जो जहाँ पे $10 होने के बाद ही हमें बैंक अकाउंट डालने को बोलता है, और हम जो है इसमें बैंक अकाउंट भी सक्सेसफुली डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं लाइव ये प्रोसेस कैसे करते हैं। तो हमें ये हमारा एडसेंस का अकाउंट है और हमें बिल्कुल हमारे डेस्कटॉप मोड पे, तो हमें चले जाना है सबसे सिंपली पेमेंट मेथड में जाने के बाद में थोड़ी तो सी प्रोसेस लेगा, और फिर सिंपली हमें चले जाना है ऐड पेमेंट मेथड जो है हमें यहाँ पे क्लिक करना होगी, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे सिंपली बेनिफिशियरी आईडी डालना होगी। जो हम नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपना डिटेल डाल लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि हमने यहाँ पे हमारा नाम डाल दिया है, जो भी हमारा बैंक में जिस नाम से भी खाता है वो हमने नाम डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ जो है हमने बैंक का नाम डाल दिया है, और यहाँ हमने हमारा IFSC कोड डाला, और यहाँ पे हम शिफ्ट कोड डाल दिया, और यहाँ पे जो है हमने अकाउंट नंबर डाला, और फिर हमने अकाउंट नंबर डाल के ये हुआ जो है कि हमने यहाँ पे सबमिट कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद में इसमें जो सेट जो लगा हुआ है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं करना होती। हमें यहाँ सिंपली हमें यहाँ पे सेव कर देना होती है, सेव करने भर से हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसे सेव करते हैं। प्राइवेसी कारण हम जो है ओपन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हाइड कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो के बैंक अकाउंट हमारा उसमें सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से होता है बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना एडसेंस अकाउंट में, ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड शेयर करें।